जीतन राम मांझी जो कुछ भी कह रहे हैं उनको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा, आरजेडी ने कह दिया तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो खेल यहाँ पर है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, बशर्ते कि एक दलित चेहरा तो एनडीए के साथ होना चाहिए और चिराग पासवान है भाई, हमारे चार विधायक हैं तो एक मंत्री पद क्यों, अपने वोट बैंक पर इनकी बहुत पकड़ नहीं है, पुष्पद पारस है, तो दो दो बड़े चेहरे हैं एनडीए के पास। और अभी जो है जैसे जीतन राम मांझी जी ने जो डिमांड रखा है ये अपने वोट बैंक का जो है इस्तेमाल अपने लिए भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी की चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन भाजपा हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जीतन राम मांझी को कोई भाव देने को तैयार नहीं है। सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी के एनडीए छोड़ने से आगामी चुनाव या फिर सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? जब हमने इन तमाम सवालों का जवाब बिहार के राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी से जानने समझने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब क्या दिया है, पूरे बातचीत को सुनिए। सर, एक सवाल है जीतन राम मांझी को लेकर, क्योंकि चर्चा है कि भाई उनको मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला, वो नाराज चल रहे हैं, तो क्या अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है वो नीतीश कुमार का एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो क्या एनडीए गठबंधन को आगामी चुनाव में कोई नुकसान देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर फिलहाल छोड़ते हैं तो सरकार के पास तो बहुमत है, सरकार तो बच जाती है, लेकिन आगामी चुनाव में नुकसान एनडीए को होगा लोकसभा में? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये सब बात अपनी जगह सही है, लेकिन अभी आप देख लीजिए तो चुनावी राजनीति में वोट की ताकत का महत्व होता है, और ये महादलित के हैं, लेकिन कई चुनाव में देखा गया है कि ये अपने वोट बैंक का जो है इस्तेमाल अपने लिए भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, और दूसरे को ट्रांसफर करने की बात तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो देख लीजिए विधानसभा चुनाव में ही जो है अपने परंपरागत सीट से ये चुनाव हार गए और दूसरी सीट से चुनाव जीते, तो ये बताता है कि अपने वोट बैंक पर इनकी बहुत पकड़ नहीं है। अब चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में संख्या बल का भी अहमियत होता है, तो चार विधायक हैं, इसलिए उसके आधार पर जो है ये अक्सरहा जिस खेमे में रहते हैं वहां पर बार्गेन करते हैं, और अभी जो इन्होंने कहा है तो वो बात लोगों के गले के नीचे उतर नहीं रही कि भाई हमारे चार विधायक हैं तो एक मंत्री पद क्यों। अब आप जरा याद कर लीजिए कि महागठबंधन सरकार जब थी तो उसमें भी इनके चार विधायक में एक ही मंत्री पद इनको मिले थे, और उस हिसाब से आप देखिए तो कांग्रेस के 19 एमएलए थे और कांग्रेस को सिर्फ एक मिला। तो ये सब चीजें जो है वो हर समय सटीक नहीं बैठ सकती है, तो मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। और इन्होंने 2-3 दिन पहले जो ये मुद्दा रखा कि एक मंत्री पद हमें और चाहिए, भारी भरकम विभाग चाहिए, तो कल जिस तरीके से विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के इच्छा पर किया गया उसमें इनके कोटे के विधायक जो इनके बेटे ही हैं जो मंत्री बनाए गए हैं उनको कोई ऐसा महत्वपूर्ण विभाग मिला नहीं। ये इस बात का संकेत है कि इनकी बातों को बहुत अहमियत देने की स्थिति में कम से कम मुख्यमंत्री तो नहीं ही है, और इनकी बातों पर भाजपा की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जो कुछ भी कह रहे हैं उनको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा, तो खेल यहाँ पर है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, चाह रहे हैं कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर दें ताकि अभी कुछ मिले या न मिले लेकिन लोकसभा चुनाव में हमको कुछ सीट मिल जाए। तो अब उस समय क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें इनके इस तरीके की बातों से सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा होने वाला नहीं, मतलब कोई खतरा या नहीं होता है, अभी ये परिस्थिति है। आगे चल के चूंकि अभी नीतीश कुमार भी इग्नोर कर रहे हैं, भाजपा भी इग्नोर कर रही है, क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति बनेगी जीतन राम मांझी एनडीए से बाहर चल जाए, उन्हें इंडिया गठबंधन में जगह मिल जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन को एक दलित महादलित चेहरे की जरूरत है, जीतन राम मांझी को लोग स्वीकार कर ले, आपको लगता है ऐसी परिस्थिति बन सकती है? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और सबके लिए हमेशा कुछ न कुछ परिस्थिति बनती ही है। अब जैसे मान लीजिए कि आज वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आए और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि भाई ये सारी बातें गठबंधन के अंदर होनी चाहिए और क्या कुछ इनके साथ बात हुई है गठबंधन के अंदर तो वो उनको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण नेता हैं और इसलिए इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए और एनडीए के लिए ये महत्वपूर्ण है,
एक तरह से उन्होंने ठीक कहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई जीतन राम मांझी अगर एनडीए छोड़ भी देते हैं तो जो चुनावी राजनीति है और बिहार में जो तस्वीर बन रही है उसमें एनडीए को कोई बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ, बशर्ते कि एक दलित चेहरा तो एनडीए के साथ होना चाहिए, और चिराग पासवान है, पशुपत पारस है, तो दो दो बड़े चेहरे हैं एनडीए के पास। और अभी जो है जैसे जीतन राम मांझी जी ने जो डिमांड रखा है उसके बाद वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भाई हम, मेरी ओर आ जाए, हम उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर कर देंगे। तो जीतन राम मांझी अच्छी तरह जान रहे हैं कि अभी जो मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ 12 तारीख को लेकर के है, कि भाई किसी तरीके से एक अस्थिरता का माहौल बना दिया जाए कि सरकार सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे ही सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी तो उसके बाद जो है मांझी जी का राग भी ठंडा पड़ जाएगा, और महागठबंधन की ओर से भी कोई ऑफर ऊपर इनको आने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तो पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पर्दे के पीछे बहुत खेल चला। तो अब जो है ये कैसे संभव है कि भाई आरजेडी ने कह दिया तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, वो परिस्थिति निकल गई। अब सिर्फ सबको इंतजार है 12 तारीख का। 12 तारीख को जैसे ही सदन में नीतीश सरकार बहुमत हासिल कर लेगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक नुकसान मांझी जी अपना कर रहे हैं, जैसा हमको लग रहा है, ये जिस तरीके से अभी बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक शब्दों में कहें तो वो लोकसभा चुनाव में जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो इनकी दावेदारी इससे कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इनके इस नए स्टैंड से न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश होंगे और न ही भाजपा खुश होगी। ये खुद के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति बन रही। जो मिल गया मिल करके काम करना, आगे तो बहुत संभावनाएं बनी हुई है, सरकारी कमिटियां हैं और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन आप शुरुआत में ही अगर इस तरीके से कीजिएगा तो फिर आगे के लिए तो आपका रास्ता ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अगर वोट ट्रांसफर की ताकत इनके हाथ में रहती तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता कि इनके डिमांड के फौरन बाद जो कल विभागों का बंटवारा हुआ है तो इनके बेटे को कोई बड़ा विभाग मिल जाता। वो नहीं मिलना मतलब क्लियर है कि दोनों पक्ष, चाहे वो जदयू हो या बीजेपी हो, बहुत अधिक इनको महत्व देने की स्थिति में नहीं है। अभी सब खामोशी के साथ इसलिए सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि सबकी नजर 12 तारीख पर है, और वो लोग नहीं चाहते होंगे कि कुछ बीच में ऐसा हो जिससे एक अलग माहौल बने।